सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जापानी कंपनी शार्प ने अपना लेटेस्ट एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन शार्प S3 लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को जापानी वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। जापानी मार्केट में शार्प S3 की प्राइस 32,400 येन यानी करीब 19,000 इंडियन रुपीज़ रखी गई है और इसकी सेल स्टार्ट हो गई है। शार्प S3 के 4 कलर वेरियंट अवेलेबल हैं, टर्कोइज, नेवी ब्लैक, वाइट और पिंक। बट इस स्मार्टफोन में शार्प S3 हैंडसेट में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस हैंडसेट को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात करते हैं शार्प S3 स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फोन में 5 इंच की फुल HD IGZO डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920p x 1080p दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा 3GB रैम दी गई है और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। शार्प S3 आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 8.0 ओरियो बेस्ड है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कैमरे फीचर्स की। तो इस फोन में 13.1 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। बेहतर सेल्फी के लिए कंपनी ने इस फोन में S प्योर LED बैकलाइट फीचर देने की बात कही है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इस फोन में शार्प S3 में 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है और इसकी बैटरी का दावा किया गया है कि ये 22 आवर्स तक का LTE नेटवर्क टॉक टाइम दे सकती है। इसका स्टैंडबाई टाइम 605 आवर्स है। अदर कनेक्टिविटी फीचर्स में वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS और USB टाइप सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन की बैटरी 2700mAh की दी गई है, जिसे फुल चार्ज करने में 155 मिनट्स लगते हैं, यानी काफ़ी टाइम ले रहा है फुल चार्ज होने के लिए भी। 2 आवर्स 35 मिनट्स करीब लग रहे हैं चार्ज करने के लिए। बैटरी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। इस फोन का वेट 143 ग्राम है और यह फोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। फोन फीचर्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।